Hello everyone, in today's video I'm going to cover the last topic of contract of agency, that is termination of agency, which has been provided from section 201 to section 210. Now we start with section 201. Section 201 talks about the various modes of the termination of agency. Number one, by revocation of the agent's authority by the principal. Number two, renunciation of the business of agency by the agent. Number three, on the completion of the business of agency. Number four, by death or insanity either of the principal or the agent. And the last one, by insolvency of the principal. So these are the various modes by which agency can be terminated. चाहे वो principal terminate कर सकता है revoke करके, या agent renounce कर सकता है, या जब business complete हो जाएगा तो automatically agency will get terminated. Then जब death हो जाती है या principal की या agent की, in that case, and the last when the principal gets insolvent, in these cases the agency will get terminated. Now we come to section 202, which talks about that agency cannot be terminated if the agent has some interest in the subject matter. Suppose principal ने agent से बोला कि मेरी एक land है, आप उस land को sell out करा के जो भी उसको पैसे मिलेंगे उस land को बेचने में, आप उसमें से जो debt है, जो मेरा मुझे चुकाना है, आप वो debt amount उससे recover कर लेना. Okay? So in this, the agent has some interest in the property. जब वो property sell out होगी, तभी उससे वो अपने debt amount को recover करेगा. So in this, the principal cannot terminate the agency. Now we come to section 203, which talks about that if the principal wants to terminate the agency, अगर वो principal चाहता है agency को terminate करना या revoke करना, then he can terminate, yeah, he may revoke the agency before the agent has exercised some authority. Okay, जो agent को authority दी थी वो उसने exercise करे या principal को bound करे, उससे पहले ही principal उस agency को terminate कर सकता है. Now we come to section 204. Section 204 क्या कहता है कि अगर एजेंट ने जो उसको अथॉरिटी मिली है उसको पार्टली एक्सरसाइज कर लिया है, ओके, उसने चीजें ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा या हाफ कर लिया है जो उसको काम दिया था, देन इन दैट केस प्रिंसिपल कैन नॉट टर्मिनेट द एजेंसी बिकॉज यहां पे ऑलरेडी काम हो चुका है. सो अगर सपोज एजेंट ने कुछ सेल या परचेज के ट्रांजेक्शन में उसने अपना अमाउंट लगाया एजेंट ने, सो इन दिस केस प्रिंसिपल उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता है बीच में ही. प्रिंसिपल विल बी बाउंड कि जो भी इंटरेस्ट है, जो भी अमाउंट है, पहले उसको पेमेंट करे, उसको प्रॉपरली वाइंड अप करे, देन ओनली ही कैन टर्मिनेट द एजेंसी. नाउ वी कम टू सेक्शन 205. सेक्शन 205 क्या कहता है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या कोई बिजनेस है जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, ओके, देन इन दैट केस उस टाइम पीरियड से पहले विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन और सफिशियंट जस्टिफिकेशन से कोई भी ऐसा रिवोकेशन होता है उस टाइम पीरियड से पहले, देन इन दैट केस प्रिंसिपल विल हैव टू पे द कंपनसेशन. ठीक है, बिकॉज एक टाइम पीरियड के लिए बिजनेस बना था, एजेंसी बनी थी, उससे पहले ही उसने रिवोक कर लिया तो कुछ काम हुआ होगा, एक्सपेंसेस हुए होंगे, डैमेजेस हुआ है उसकी वजह से, उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनसेशन विल बी पेड बाय द प्रिंसिपल. ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 206. 206 क्या कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट नोटिस ऑफ रिवोकेशन शुड बी गिवन. एक प्रॉपर नोटिस देनी चाहिए रिवोकेशन से पहले, सो दैट जो काम ऑलरेडी हुआ है या जो होने वाला है उसका एक प्रॉपर एक डिटेलिंग हो जाए, या जो भी पैसे हैं वो पेमेंट प्रॉपरली हो जाए, एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए एजेंट को
या फिर प्रिंसिपल को चीजें क्लियर करने के लिए. सो इन दिस इट इज इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर नोटिस प्रोवाइड हो. सेक्शन 207 प्रोवाइड्स दैट रिवोकेशन मे बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली मेड. ठीक है, चाहे वो बोल के या राइटिंग में भी हो सकता है, या फिर ऐसे कंडक्ट से जिससे कि लगे कि टर्मिनेट हो रही है एजेंसी या रिवोक कर रहा है प्रिंसिपल. एज इन ए के पास एक हाउस है, उसने बीस एजेंट से बोला कि मेरा एक हाउस पड़ा हुआ है, आप इसको रेंट पे दिलवाओ. ठीक है, एजेंट को उसने अथॉरिटी दी, लेकिन उससे पहले ही प्रिंसिपल वहां पे खुद रहने लगा या अपने मन से ही वहां पे उसको रेंट आउट कर दिया. देन इन दैट केस उसको लेट आउट कर दिया. देन इन दैट केस इट इज प्रूव्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल कि वो एजेंट की हेल्प नहीं चाहता है. सो इन दिस द एजेंसी विल बी टर्मिनेटेड. नाउ वी कम टू सेक्शन 208. सेक्शन 208 क्या कहता है कि द टाइम एट विच द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बिकम्स इफेक्टिव. कब टर्मिनेशन इफेक्टिव होता है? क्या सिर्फ जब प्रिंसिपल बोल देता है तभी टर्मिनेट हो जाता है या कोई और कंडीशन है? सो इन दिस इट प्रोवाइड्स दैट एजेंसी और रिवोकेशन विल ओनली बी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम इट इज मेड. प्रिंसिपल ने रिवोक किया, ठीक है, तो सिर्फ प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया उससे टर्मिनेट नहीं होगी. जब तक वो रिवोकेशन की नॉलेज एजेंट या थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचती है तब तक वो टर्मिनेशन प्रॉपर नहीं माना जाएगा. ओके, सपोज प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी थी एजेंट को काम करने की एंड उसने एक लेटर सेंड कर दिया जिसमें कि वो अथॉरिटी को रिवोक कर रहा था. ओके, एक सेल का अथॉरिटी दी थी. ओके, यहां पे प्रिंसिपल ने लेटर दिया एंड वो लेटर जिस दिन उसने सेंड किया था उसी दिन एजेंट ने गुड्स को सेल करा दिया. बट एजेंट को अभी उसको पता नहीं था, उसकी नॉलेज में ये बात नहीं है कि प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया है. ठीक है, एंड उसने गुड सेल कर दिया. बाद में उसको पता चलता है कि अच्छा, मतलब बाद में वो लेटर उसको मिलता है तो पता चलता है अच्छा रिवोक हो गई है एजेंसी. सो इन दैट केस दैट टर्मिनेशन विल नॉट बी वैलिड बिकॉज यहाँ पे इफेक्टिव तब से हुई जब वो टर्मिनेशन की नॉलेज उस तक पहुंची, एजेंट तक पहुंची. सो इन दिस द टर्मिनेशन विल बी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम इट इज मेड. नाउ वी कम टू सेक्शन 209. इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द एजेंट ऑन द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल. जब प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है देन इन दैट केस एजेंट हैज द ड्यूटी टू एंड ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल. ठीक है, यहाँ पे एजेंट को एक रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट जो भी एजेंट को हैंड ओवर किया गया था. ठीक है, यहाँ पे वो ऐसे बस खत्म नहीं हो जाएगी, उसको उसके पास जो भी इंटरेस्ट था उसको प्रॉपरली उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बताएगा, उसको प्रिजर्व करेगा एंड देन इट विल बी टर्मिनेटेड. सेक्शन 210 टॉक्स अबाउट दैट द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी टर्मिनेट सब एजेंसी. ओके, दिस इज द लास्ट सेक्शन. इन दिस सब एजेंसी बनी क्यों थी? बिकॉज जो एजेंसी थी उसके काम को कैरी ऑन करने के लिए एक सब एजेंसी की हेल्प ली गई थी. सो इन दिस जब एजेंसी मेन एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी सो सब एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी बिकॉज सब एजेंसी किस लिए बनी थी? एजेंसी के काम को कैरी करने के लिए. सो इन दिस जैसे ही एजेंसी टर्मिनेट होगी सब एजेंसी विल ऑल्सो बी टर्मिनेटेड. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 210. सो दीज वर द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एंड द रूल्स ऑफ रिवोकेशन. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड the contract of agency as well as the syllabus of a specific contract. I hope aap sabko samajh mein aaya ho and please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.